लय और प्रलय जिनके अधीन है, जो सृष्टि की उत्पत्ति एवं संहार के अधिपति हैं। ऐसे भगवान शंकर ने विभिन्न युगों में कई अवतार लिए हैं। कहीं कहीं उनके 24 तो कहीं उनके 19 अवतारों के बारे में उल्लेख मिलता है। श्री मंदिर पर इस श्रृंखला में हम आपको शिव पुराण में बताए गए प्रमुख 19 अवतारों की कहानियां सुनाएंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे महादेव के रौद्र अवतारों में से एक वीरभद्र अवतार के बारे में। वीरभद्र की उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध के आवेग में हुई थी। एक बार की बात है, सती के प्राण त्यागने से भगवान शिव ने दुखी होकर रौद्र रूप धारण कर लिया था और क्रोध में अपनी एक जटा उखाड़ ली थी, जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी। ऐसा रूप था वीरभद्र का। एक बार की बात है, जब राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें दक्ष ने सभी ऋषि मुनि और देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन इस यज्ञ में राजा दक्ष ने शिवजी और माता सती को न्योता नहीं भेजा। प्रजापति दक्ष द्वारा आमंत्रण नहीं मिलने पर भगवान शिव ने माता सती को वहां जाने से रोका, लेकिन शिवजी के मना करने के बाद भी देवी सती नहीं मानी और बिना बुलाए ही यज्ञ में जा पहुंची, जिसके बाद प्रजापति दक्ष ने माता सती और भगवान शिव का बहुत अपमान किया। प्रजापति दक्ष द्वारा आमंत्रण नहीं मिलने पर भगवान शिव ने माता सती को वहां जाने से रोका, लेकिन शिवजी के मना करने के बाद भी देवी सती नहीं मानी और बिना बुलाए ही यज्ञ में जा पहुंची, जिसके बाद प्रजापति दक्ष ने माता सती और भगवान शिव का बहुत अपमान किया। माता सती इस अपमान को सहन न कर सकी और अपने पति महादेव के लिए कहे गए अपमानित शब्दों से क्रोधित होकर माता सती ने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब ये समाचार शिवजी को मिला तो क्रोध में आकर उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया और उसी जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव अवतार वीरभद्र ने राजा दक्ष का यज्ञ ध्वंस कर दिया। तब राजा ने भगवान विष्णु को युद्ध करने के लिए बुलाया और विष्णु जी ने युद्ध करने का वचन दे दिया। अब वीरभद्र और विष्णु जी के बीच भयंकर युद्ध चला, किंतु अंत में भगवान विष्णु ने उन्हें एक पाश में बांध दिया। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से भद्रकाली को अवतरित कर वीरभद्र की सहायता के लिए भेजा और उन्हें बचाया। उसके बाद भगवान विष्णु अपने वचन की पूर्ति होने के बाद युद्ध के मैदान से चले गए, जिसके बाद वीरभद्र ने राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर उसका सिर काटकर शिवजी के सामने रख दिया। ये सब देख भगवान शिव ने राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें फिर से जिंदा कर दिया और वीरभद्र को अपने गणों में शामिल कर लिया। वीर का अर्थ होता है सदैव धर्म के मार्ग पर चलना और अधर्मियों को धर्म के मार्ग पर लाना। वहीं भद्र का अर्थ होता है कल्याणकारी। महादेव की जटाओं से पैदा हुआ पहला रौद्र अवतार वीरभद्र भद्रता, वीरता और ऐश्वर्य भक्ति का प्रतीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। शिव जी के अन्य प्रमुख अवतारों की कहानियां सुनने के लिए आप बने रहिए श्री मंदिर ऐप के साथ। नमस्कार।